दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, अपराध इस तरीके से बढ़ रहा है कि आज भी ट्रिपल मर्डर हुआ है, वो भी वसंत कुंज जैसे इलाके में। हमारे साथ बात करने के लिए मनीष सिसोदिया हैं। मनीष जी, दिल्ली की जो स्थिति देख रहे हैं आप, कैसे, क्योंकि क्राइम में लगातार मर्डर्स और वो भी 24 घंटे में 9 मर्डर। दिल्ली में लगातार बढ़ते क्राइम के बीच में सीसीटीवी एक अहम भूमिका निभाएंगे और दिल्ली सरकार काफी समय से प्रयास कर रही थी और आज मुझे खुशी है कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रोजेक्ट पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। मनीष जी, दिल्ली में असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज की घटना है ट्रिपल मर्डर, जहां पे सीनियर सिटीजन को मार दिया गया, कल की भी घटना आपने देखी, लगातार अपराध बढ़ रहा है और वो भी मर्डर हो रहे हैं। जब केंद्र में बैठी हुई सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे भगा के उनके देखते हैं, वो कहाँ सीसीटीवी उद्घाटन कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या, उसमें पुलिस को बिजी रखेगी तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस कैसे काम करेगी। मनीष जी, सीसीटीवी लग रहे हैं आपके इलाके में ही, 2000 सीसीटीवी अभी लग जाएंगे, कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग में थोड़ा सा खुशी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस चौक पे आप खड़े हैं उस चौक से निकलते हुए लड़कियां मेरे को कहती हैं, सर यहाँ पे 4 गुंडे खड़े हो जाते हैं लफंगे किसी भी उसमें सामने और फिर वो छेड़ते हैं, इवटीजिंग करते हैं, अब उनको आप आओ पुलिस भेजो तो तब भाग जाते हैं। लेकिन अगर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में वो लोग रहेंगे तो अगर वो खड़े रहेंगे उनके बेस पर चलते चलते किसी लड़की को उन्होंने छेड़ा तो सीसीटीवी पकड़ेगा और हम फिर बताएंगे उनको। हमने देखा चुनाव से लेकर अब तक ये दूसरा चुनाव आ गया और बड़ी लंबी लड़ाई भी इसके लिए लड़नी पड़ी सीसीटीवी। बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़ी, एलजी साहब के यहाँ जाके धरना देना पड़ा सीसीटीवी के लिए, क्योंकि उनका कहना था एसडीएम तय करेंगे कि सीसीटीवी कहाँ लगेंगे, हम कह रहे थे आरडब्ल्यूएस तय करेंगे कि सीसीटीवी कहाँ लगेंगे।